ये देश की सेनाओं को कमजोर किया। जल हो, थल हो, नभ हो, सेना की हर आवश्यकता में इन्होंने, देश आजाद हुआ तब से भ्रष्टाचार की परंपरा बनाई। जीप घोटाला हो, पनडुब्बी घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, इन सारे घोटालों ने देश की सेना की ताकत को बढ़ने से रोका है। वो भी एक वक्त था आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के जमाने में हमारी सेनाओं के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं हुआ करते थे। सत्ता में रहते हुए देश की सेना को तो बर्बाद किया ही किया, उसको कमजोर किया ही किया, लेकिन ये कारनामे विपक्ष में जाने के बाद भी चलते रहे। विपक्ष में जाने के बाद भी सेना को कमजोर करने के लगातार प्रयास होते रहे। जब ये कांग्रेस सरकार में थे तो फाइटर जेट नहीं लिए, और जब हमने कोशिश की तो कांग्रेस हर तरह की साजिश पर उतर आई। फाइटर जेट एयरफोर्स तक न पहुंच पाए, इसके लिए साजिशें की गई। और आदरणीय सभापति जी, ये बालक बुद्धि देखिए कि राफेल के छोटे छोटे खिलौने बना करके उड़ाने में मजा लेते थे, देश की सेना का मजाक उड़ाते थे। अध्यक्ष जी, कांग्रेस ऐसे हर कदम का, हर रिफॉर्म का विरोध करती है जो भारत की सेना को मजबूती दे, भारत की सेना को मजबूत बनाए। माननीय सदस्यों, सभा की कार्रवाई माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण तक के लिए बढ़ाई जाती है, और सभा की कार्रवाई सारी कार्रवाई पूरी होने तक बढ़ाई जाती है। आदरणीय सभापति जी, समय देने के लिए और समय का विस्तार करने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, अब कांग्रेस के लोगों को ये पता चल गया है कि हमारे नौजवानों की ऊर्जा, हमारे सैनिकों का आत्मबल ही हमारे सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी शक्ति है, और अब इस पर हमला करके और एक नया तरीका सेना में भर्ती को लेकर सरासर झूठ फैलाया जा रहा है, ताकि लोग मेरे देश के नौजवान मेरे देश की रक्षा करने के लिए सेना में न जाए, उनको रोकने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन के माध्यम से जानना चाहता हूं, आखिर किसके लिए कांग्रेस हमारी सेनाओं को कमजोर करना चाहती है, किसके फायदे के लिए कांग्रेस वाले सेना के संबंध में इतना झूठ फैला रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, वन रैंक वन पेंशन को लेकर के
देश के शहीद जवानों को उनकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया गया। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वन रैग वन पेंशन की व्यवस्था को खत्म किया था। दशकों तक कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन को लागू नहीं होने दिया और चुनाव जब आए तो 500 करोड़ रुपया दिखाकर निवृत्त सेना नायकों को मूर्ख बनाने की कोशिशें भी की गई, लेकिन उनका इरादा था हो सके उतना वन रैंक वन पेंशन को टालते रहना। एनडीए सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू की और आदरणीय सभापति जी, भारत के पास संसाधन कितने ही सीमित क्यों न हो, लेकिन उसके बावजूद भी, कोरोना की कठिन लड़ाई के बावजूद भी 1,20,000 करोड़ रुपए हमारे पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन के रूप में दिए गए। प्लीज, नो, ये तरीका ठीक नहीं है, नो, ये गलत तरीका, प्लीज माननीय सदस्य, ये तरीका ठीक नहीं है, आप संसदीय परंपराओं का पालन करें। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है, परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एनडीए सरकार ने बीते 10 वर्षों में विकास को अपना सबसे बड़ा संकल्प बनाया है। आज हमारे सामने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का संकल्प है। आज हमारे सामने आजादी के इतने सालों के बाद पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए, हर गल जल पहुंचाने का हमारा संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, हर गरीब को आवास देना ये हमारा संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, भारत की विश्व में जैसे जैसे ताकत उभर रही है, हमारी सेनाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का हमारा दृढ़ संकल्प है।
आदरणीय सभापति जी, ये युग हरित युग है, ये युग ग्रीन एरा है और इसलिए दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई लड़ रही है उसको एक बहुत बड़ी ताकत देने का काम भारत ने बीड़ा उठाया है। हमने रिन्यूएबल एनर्जी का भारत पावर हाउस बने, उस दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए हैं और उसको अचीव करने का हमारा संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, भविष्य ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ा है, ई व्हीकल से जुड़ा हुआ है। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने के लिए भी हम पूरी तरह संकल्पबद्ध है। आदरणीय सभापति जी, 21वीं सदी आज भारत 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए जिन संकल्पों को लेकर के हम चले हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमें विश्व के सारे बेंचमार्क की बराबरी पे जाना है। आदरणीय सभापति जी, जितना निवेश भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुआ है वो इतना पहले कभी नहीं हुआ है और जिसका लाभ आज देशवासी देख रहे हैं। देश में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं, उसको विस्तार हो, उसको एक नए रूप रंग मिले। आधुनिक भारत की आवश्यकताओं के अनुसार स्किल डेवलपमेंट हो और उसके आधार पर इंडस्ट्री 4.0 में भी भारत लीडर के रूप में उभरे और हमारे नौजवानों का भविष्य भी संवरे, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एक स्टडी है कि पिछले 18 साल में, ये स्टडी बड़ा महत्वपूर्ण है, यह अध्ययन कहता है कि पिछले 18 साल में प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन में आज सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। 18 साल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। आदरणीय सभापति जी, आज भारत डिजिटल पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में एक उदाहरण बना है। विश्व के लोग, मैं G20 समूह में जब भी गया, भारत की डिजिटल इंडिया मूवमेंट को लेकर के, डिजिटल पेमेंट को लेकर के विश्व के समृद्ध देशों को भी अचरज होता है और बड़ी जिज्ञासा के साथ हमें सवाल पूछते हैं। ये भारत की सफलता की बहुत बड़ी कहानी है। माने सदस्य प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। आदरणीय सभापति जी, जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है स्वाभाविक है प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है और चुनौतियां भी बढ़ रही है।